गुड इवनिंग मध्य प्रदेश। मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार 20 सितंबर को आयुष्मान पखवाड़ा शुरू हुआ है। इस पखवाड़े के तहत जन जागरूकता के अनेक कार्यक्रम 30 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने किया था। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत मूलभूत कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए समस्त नागरिकों के समग्र विकास के लिए कार्य किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, सभी क्षेत्रों में जनहितकारी योजनाओं से सभी नागरिकों को विकसित की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। अगली बड़ी खबर है हरदा से, जहां पर भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सोमवार को नेहरू स्टेडियम में आयोजित 34वीं जूनियर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 25 सितंबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर एक ओर राजस्थान और गुजरात से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल संभाग में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिन तक संभाग में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुडापेस्ट में हुए 45वीं ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शतरंज के खेल में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक मिला है। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से स्पेशल रिपोर्टर्स उमेश कुमार शर्मा सोमवार को ग्वालियर प्रवास पर रहे। उन्होंने यहाँ जिले के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानी, साथ ही मरीजों व अटेंडर्स से चर्चा की। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत विदिशा रासायन परियोजना मंडल भोपाल के परियोजना के परिक्षेत्र शमशाबाद में सोमवार को वन भूमि से अतिक्रमण के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। इसमें अतिक्रमणकारियों से 35 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अगली बड़ी खबर है सागर से, जहां पर मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। आग अस्पताल परिसर स्थित स्टोर रूम में लगी थी, देखते ही देखते पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंगलवार को जबलपुर प्रवास पर रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष संगठन प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि पटवारी प्रातः 8:30 बजे भोपाल से कार द्वारा राजमार्ग होते हुए पूर्वा 11:30 बजे देवरी पहुंचे, जहां पर विधायक संजय शर्मा के निवास पर उनसे मुलाकात की। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून अपनी विदाई से पहले प्रदेश में फिर से बारिश करने वाला है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। वही अगले 24 घंटे में इंदौर धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को बताएं। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है, वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।